Hey guys, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. Today's video is all about purify your blood for glowing and healthy skin. According to Ayurveda, the best way to have a beautiful and clear skin is to do a regular detoxification of your blood. Yes, if your blood will be clean, it will be purified, then only you can have a beautiful and glowing skin. अगर आपका ब्लड क्लीन होगा, प्योर होगा, तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग ज़रूर होगी। जब भी हम पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें मेनली ब्लड प्योरीफाई करने की हर्ब्स या टेबलेट्स देते हैं। ब्लड का काम होता है कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, शुगर, इवन ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। लीवर और किडनी बहुत अच्छे से ब्लड को क्लीन करती है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही मेस्ड अप है तो लीवर और किडनी का काम बढ़ जाता है। इसलिए ट्राई कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी फूड के लिए, ताकि एज बढ़ने के साथ भी आप एनर्जेटिक और हैप्पी रहे। जी हाँ, हेल्दी बॉडी से माइंड हैप्पी होता है। तो अपनी स्किन को क्लीन एंड हेल्दी बनाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस ठीक से हो। लीवर एंड किडनी हमारे ब्लड को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करती है बाय रिमूविंग एंड ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए लीवर और किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड। फर्स्ट रिकमेंडेशन मैं ये दूंगी कि आप हमेशा अच्छी और हेल्दी डाइट ले और टाइम पर खाए, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही होगा तो लीवर और किडनी अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि उन पर ज़्यादा लोड नहीं होगा। इसके लिए हमेशा अपने डाइजेशन को सही रखने की कोशिश कीजिए, और डाइजेशन सही रखने के लिए आपको कम मात्रा में हल्का खाना खाने की आदत डालनी होगी। मीन्स जो खाना ईजिली डाइजेस्टिबल हो, क्योंकि ये सबसे बेसिक नीड है किसी भी तरह के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और अच्छी स्किन के लिए, क्योंकि इसके बिना आप जितने भी इफ़र्ट्स लगाएंगे उसका फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड रिकमेंडेशन है कि आप कैरेट जूस को अपने डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि ये विटामिन ई से भरपूर है और इसमें कैल्केनाइड भी होता है। ये दोनों आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं और मॉइस्चर को आपकी स्किन में बनाए रखते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में, जिससे हमारी स्किन पर एंटी एजिंग इफेक्ट दिखने लगता है। इसे पीने का सही तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको इसे दिन में 2 बार पीना है, खाली पेट, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। इस तरह से दिन में 2 बार कैरेट जूस पीने से ये आपके लिए ब्लड प्योरीफाई का काम करेगा, या कह सकते हैं कि ये आपके ब्लड को डिटॉक्स करेगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स माई थर्ड रिकमेंडेशन अबाउट ब्लड प्योरीफिकेशन। हर्ब्स को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट हर्ब है, जिसका नाम है नीम। आपकी स्किन के लिए या ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हर्ब है। आप फ्रेश नीम लीव्स को ग्राइंड करके जूस बना सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश लीव्स नहीं मिले तो आप इसकी मेडिसिन भी ले सकते हो। दिन में 2 बार खाली पेट, अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में मिले तो आप इसके पाउडर को दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 गिलास गर्म पानी के साथ। माई फोर्थ रिकमेंडेशन इज मंजिष्ठा पाउडर। ये भी ब्लड क्लीन करने में बेस्ट है। ये लीवर पर वर्क करती है, जिससे आपकी बॉडी और ब्लड से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। इसे खाने का तरीका भी नीम की तरह ही है। आप इसकी टेबलेट को एम्प्टी स्टमक दिन में 2 बार ले सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में अगर आप इसे लेते हैं तो उसे भी दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं। आप नीम की टेबलेट और मंजिष्ठा की टेबलेट को एक साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड को क्लीन करके स्किन प्रॉब्लम्स भी खत्म करेंगे। आपको इन हर्बल मेडिसिन को कुनकुने पानी के साथ लेना है। माई फिफ्थ रिकमेंडेशन इज अबाउट फास्टिंग। आप 12 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो और आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि फास्टिंग से आपके बॉडी और ब्लड को डिटॉक्स होने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए मंथ में 1 या 2 बार फास्टिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को कोई तकलीफ ना हो। आप चाहे तो 12 घंटे की ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, या आप लिक्विड फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा।
ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप अपने ब्लड को डिटॉक्स कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इनमें से जो भी रिकमेंडेशन आपके लिए सूटेबल हो, आप उसे कुछ दिनों के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ स्टोर पर नीम टेबलेट या मंजिष्ठा टेबलेट नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप साल में एक या दो बार अपने बॉडी और ब्लड को डिटॉक्स करें, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन ग्लोइंग बनेगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।